साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि अगर बच्चा देने के तुरंत बाद जब 5 घंटे 10 घंटे 15 घंटे बीत जाते हैं और हमारी गाय भैंस जेर नहीं गिराती, यानी उसकी जो जेर है प्लेसेंटा है वो अटक जाती है, गिराती नहीं है, और हम काफ़ी कुछ दे चुके होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था वो आपने दे दिया, मार्केट से ला करके कोई दवा भी आपने दे दी, उसके बावजूद जेर नहीं गिरी है, तो हमें क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा, ऐसा घरेलू तरीका देने वाला हूं जो कि बहुत ही शानदार आजमाया हुआ है और मेट्राइटिस नहीं होने देगा। मेट्राइटिस का मतलब जब जेर नहीं गिरती तो बच्चेदानी में कई बार मवाद पड़ जाती है, उसे वो नहीं पड़ने देगी। इसके अलावा जब बच्चेदानी में मवाद पड़ती है तो जस्ट उसके नीचे थन जो रहते हैं, अडर जो रहता है, उसमें कई बार थनेला हो जाता है। तो ये हमारा नुस्खा दोनों में काम करेगा, जहर गिराएगा, मेट्राइटिस नहीं होने देगा और थनेला भी नहीं होने देगा। तो आइए जानते हैं नुस्खे के बारे में। तो नुस्खा शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए नुस्खा देख लेते हैं। देखिए, नुस्खा जब हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल घरेलू, हर घर में मिलने वाली चीज़। पहली चीज़ है दूध। दूध चाहे आप गाय का लें, बकरी का लें या भैंस का लें, कोई सा भी दूध आप ले लें, आधा केजी दूध आपको गाय भैंस के लिए लेना है और उसमें 50 ग्राम सौंठ, सौंठ मतलब अदरक का सूखा हुआ रूप, वो हमें 50 ग्राम मिलाना है और मिलाने के बाद अच्छी तरीके से गर्म करना है। और जब वो गर्म हो रहा होता है, दो उफान आ जाते हैं, उसके बाद तीसरे उफान में हमें एक कप सरसों का तेल मिलाना है। सरसों का तेल वो मिला करके फिर उसे ठंडा करें और ठंडा करके आप अपनी गाय भैंस को दे दें, 100% रिजल्ट मिलेगा। इस नुस्खे को हमें दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है और हर 6 घंटे के अंतराल में हम इसे दे सकते हैं। बहुत ही शानदार आजमाया हुआ नुस्खा है, अच्छा काम करेगा। इसमें आप ध्यान ये रखें कि अगर गाय है तो 1 कप सरसों का तेल ले लें, बहुत है, लेकिन अगर भैंस है तो हमें सरसों का तेल 2 कप लेना है। बाकी गाय भैंस में इन दोनों में बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट है। आप आजमाएंगे तो ना तो मेट्राइटिस होगी और ना ही मेस्टाइटिस होगी।